आज दिन बन गया हमारा कंचनजंगा का ऐसा व्यू। 12:30 बज रहा है, लावा व्यू पॉइंट हम लोग पहुंच गए। अभी जहाँ पे कॉफी पीने रुके थे ना, इससे पहले भी जब हम लोग आए थे वहीं पे कॉफी पी रहे थे। गुरु बथान वाला जो चाय बागान है उसी चाय बागान से गुजर रहे हैं आगे। गुड मॉर्निंग फ्रॉम डेलो। आज हमारा डेलो में लास्ट डे, मतलब अब और 1-2 घंटा है हमारे पास। कितने बजे करीब पकड़ लो, 11 बजे का टारगेट है कि 10:30-11 तक हम लोग चेकआउट कर जाए। सारे लोग उठ गए, फ्रेश फ्रेश होना हो गया, चाय वाय मिल गया सुबह सुबह हम लोगों को, है ना बेटी। यहाँ पे 7:30 तक मिल जाता है, तो सुबह सुबह चाय मिला, चाय पिए, उसी वक्त आदि बाबा भी उठ गए और उठ के मूड में है पूरा, है ना। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग कर रहे थे उसे, तो तैयारी अपना शुरू हो चुका है। तो आदि का ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है, खुशी मैडम बिस्किट खा रही है, आदि बाबा बदमाशी कर रहे हैं और हमारा 1 राउंड का कॉफी का तैयारी हो रहा है। गरी केक खाओगे तुम? ओए हीरो केक खाओगे? है ना है ना, लो केक लो। এবারে একটু নিমকি আছে শুধু, আর একটু আপেল আছে। সব খাও সব খাও। মোটামুটি আর মুড়ি আছে। ইয়া গিয়ে আপনার ব্রেকফাস্ট সুবে সুবে পুরি সবজি, সিফ পুরি সবজি। আর নহানা ভি হোগে। खुशी और माता जी के लिए हम लोग रोटी मंगवाए, उसी रोटी में से आदि भी खा लेगा तो आदि का हो जाएगा। चेकआउट हो गया हमारा, चेकआउट होके बस जस्ट डेलो से निकले हैं। अभी निकल के उतरते साथ ही लेफ्ट साइड में एक मोनेस्ट्री है, यहाँ से फिर लावा एक मोनेस्ट्री देखना है, लावा व्यू पॉइंट और फिर लाटागुड़ी पहुँच जाएंगे। तो ये मोनेस्ट्री हम लोग उस वक्त आए थे जब कोविड के टाइम में आए थे ना, एक बार बंद था। चलो चलो चलो, आज तो किस्मत बन गया हम लोग। चलो सुपर व्यू आ रहा है, तुरंत बादल आने से पहले देख लो। चलो चलो तुम बाद में देखना फूल, अरे सामने चलो भाई। हाँ आज तो तुमको स्लीपिंग कुत्ता दिख जाएगा ऐसे क्या? ये यही वाला शायद रेंज, यही है, सीधा एकदम। हाँ यही है स्लीपिंग कुत्ता। हाँ वाह, दिन बन गया हमारा कंचनजंगा का ऐसा व्यू, मतलब हर जगह से मन कर रहा है कि यहाँ से भी एक फोटो ले लें। चलो चलो फोटोग्राफर बाबू। के हम बढ़ रहे थे आगे लावा की ओर, लेकिन हमसे एक मिस्टेक हो गया और हमको लेना था ये रूट और हम निकल गए रामधुरा की ओर। अब गलती से रामधुरा की ओर जैसा ही बढ़े हमको दिख गया रामधुरा व्यू पॉइंट, और आज हमारे किस्मत में कंचनजंगा का व्यू लिटरली बहुत ही अच्छा देखने को मिला। हम रामधुरा व्यू पॉइंट पहुँचे, वहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, कंचनजंगा का व्यू एंजॉय किया और फिर वहाँ से हम पहुँचते हुए बैक आके अलगड़ा बाजार वाले रास्ते से लावा की ओर बढ़ चले। अलगड़ा बाजार घुसने से पहले ही ये एक पैच जो था हालत ख़राब हो चुका था मेरा यहाँ पे, बिकॉज रास्ता बहुत ही स्टीप था और बहुत ही ख़राब, और मेरे गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम। मेरे पास जो गाड़ी है वो है एलीट i20 और ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही ख़राब है इस गाड़ी का। हिल्स के लिए तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज बहुत जगह मेरे को बचा के चलाना पड़ता है इस गाड़ी को। यहाँ मल्टीपल ट्राई करने के बाद मैं किसी भी तरीके से गाड़ी को लेकर ऊपर चढ़ा सका।
नीचे लगने का डर रहता है। अलगड़ा बाजार में और एक जगह गाड़ी में नीचे लग गया, इसीलिए मूड थोड़ा सा ऑफ है मेरा अभी। और ये है ऋषभ मोड़, मतलब यहाँ से ऊपर जो आपको रास्ता दिख रहा है सामने वो लेके चले जाएगा ऋषभ। तो थोड़ी देर यहाँ पे रुकेंगे, कॉफी पियेंगे और उसके बाद फिर बढ़ेंगे लावा की ओर। साढ़े बारह बज रहा है, लावा व्यू पॉइंट हम लोग पहुंच गए। अभी जहाँ पे कॉफी पीने रुके थे ना, इससे पहले भी जब हम लोग आए थे वहीं पे कॉफी पी रहे थे। मतलब वो जगह काफी टाइम स्पेंड किए थे, इसलिए वो जो ऑनर है वहाँ के उनसे थोड़ा मिले आदि लास्ट टाइम। बहुत मतलब प्यार से उनके गोद में जाके बहुत देर खेला था वहाँ पे, तो ये मैं सोचा कि चलो मिल लेते हैं यहाँ जब आए हैं, तो कॉफी वॉफी पीना हो जाएगा। तो चलो यहाँ एक बार थोड़ा फोटो सेशन हो जाए, उसके बाद बढ़ते हैं लावा मोनेस्ट्री, उसके बाद डायरेक्ट लाटागुड़ी। हाँ वही है। ये पहुंच गए हमने लावा मोनेस्ट्री। पार्किंग का थोड़ा चक्कर इसलिए गाड़ी आगे रख के उन लोगों को भेज दिया आगे। अब खुशी और सारे लोग बढ़ गए। ये कंचनजंगा यहाँ से भी दिख रहा है, ये रहा देखो। कुछ ही कंचनजंगा यहाँ से भी दिख रहा है, तो कंचनजंगा लेफ्ट साइड में। ए जे अकेले चलेगा, करते एक बार गिरा उसके बाद हाथ पकड़ लिया। अप एंड डाउन देख के चल रहा है, कान में ठंडा नहीं लगेगा ना। आज किस्मत है हम लोगों का, मतलब यहाँ भी आए यहाँ भी बहुत अच्छा। लास्ट टाइम जब आया था ना ये पूरा हेजी था, लेकिन आज देखो आज पूरा क्लियर है और वो पूरा कंचनजंगा पे फिर यहाँ से दिख रहा है। और देखो थोड़ा जूम करते हैं,
ये यहाँ पे किस चीज का चेकिंग अचानक स्टार्ट हो गया। ये इनका शायद कुछ रूटीन चेकअप था, बस ज्यादा कुछ किया नहीं, सिर्फ डिक्की खोला एक बार और डिक्की बंद करवा दिया। चलो बस अब बढ़े गुरु वसन होके डायरेक्ट लाटागुड़ी। लावा से निकलने के बाद से ही आदि जो सोया है अभी तक, बीच में एक बार दूध पिया और बस नींद में, तो चलो अच्छा है सोया है तो शांत रहेगा, और शाम को जब उठेगा तब तक हम लोग लाटागुड़ी पहुंच चुके होंगे। साढ़े पाँच बज रहा है और अब बस ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं हम लोग। ये गुरु बथान वाला जो चाय बागान है उसी चाय बागान से गुजर रहे हैं आगे। शाम हुआ है, बहुत सही लग रहा है एकदम। ये देखो ये पूरा चाय बागान है दूर दूर तक। उधर शायद सनसेट हो रहा है कहीं पर। चलो चा पाता बैठे 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 जल जल। पहुंच गए हम लोग लाटागुड़ी और ये सामने वाला हमारा होटल है। चलो यहाँ फ्रेश होते हैं, चेक इन करते हैं, उसके बाद देखा जाए आगे क्या प्लान है। होटल में फ्रेश फ्रेश होके हम लोग सारे लोग निकल गए दुर्गा पूजा घूमने, बिकॉज पूजा पंडाल हमारा घूमना हुआ नहीं था कहीं भी। और लाटागुड़ी में हमने बात किया होटल वाले से, बोले आस पास तीन चार पूजा पंडाल है, आप लोग देख के आइए। तो एक टोटो बुक किया और टोटो में सवार होकर निकल गए हम लोग सारे पूजा पंडाल के।
7:30 हो रहा है अभी और 5:30 तक हम लोग पहुँच गए थे अपने इस होटल में, छोटा सा होटल है एकदम। और हमारा प्लान ही यही था कि यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ हॉल्ट करना है, उसी हिसाब से प्लान किया हुआ था। तो होटल पहुँच कर चाय वाय पिए, यहाँ पे चाय वाय पी के आसपास एक तो दुर्गा पूजा पंडाल था वो देखने चले गए हम लोग। वो देख देख के अभी रूम पे आके सारे लोग फ्रेश फ्रेश होना शुरू हुए हैं, अब चेंज वेंज करेंगे। डिनर का ऑर्डर दे दिया गया है यहाँ पे, डिनर करके उसके बाद फिर तैयारी होगा अपना कल का। और यहाँ आदि को ये जो टेबल मिला है ना, टेबल में नीचे चक्का लगा है, बस मिल गया गाड़ी चलाने वाला। अरे छीका अभी जरा छोटा है, बेसिक सा रूम है ये, बस वही हम लोगों को ये संतुष्टि है कि बेड हम लोगों को काफी बड़ा मिला है। हाँ, बिकॉज आदि को 2 दिन बहुत तकलीफ हुआ था छोटा बेड के वजह से, वो बेड काफी छोटा था।